स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जनरल नॉलेज का जो बुक है वो पढ़ रहे हैं, जिसका चल रहा है अभी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे एक्सरसाइज हो चुके हैं। आज पढ़ेंगे 12th एक्सरसाइज, धातु और उसके अधातु, जिसमें आपका ये तीसरा वीडियो होगा। 209 प्रश्न तक हमने कम्प्लीट कर लिया था, टोटल 275 प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। और ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसके पहले वाले मीन्स पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट से आज जाके देख लेना। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसमें कि मीन्स मिलान करना है, मैच करना है। एक तरफ अयस्क दिया गया है पदार्थ और उसका उपयोग यहाँ पर बताया गया है। तो जियोलाइट का प्रयोग करते हैं हम जल शुद्धिकरण के लिए। जियोलाइट का जल शुद्धिकरण के लिए हम क्लोरीन का भी प्रयोग करते हैं, याद रखना। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी के लिए, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट शोधक के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट शोधक के लिए। और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं हम शुष्क सेल में, शुष्क सेल में, और या नहीं तो नाभिकीय रिएक्टर में स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न भी यही है, आपको सुमेलित करना है। यहाँ भी पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं हम फोटोग्राफी में, पोटासियम ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में। पोटासियम नाइट्रेट बारूद में, पोटासियम नाइट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, पोटासियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, पोटासियम नाइट्रेट बारूद में। पोटासियम सल्फेट होता है उर्वरक में, खाद में, पोटासियम सल्फेट उर्वरक में। और मोनो पोटासियम टार्ट्रेट बेकरी में। आंसर यहाँ पे था ए आपका। नेक्स्ट प्रश्न फिर अणु है और उसमें कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, वे यहाँ पे दिया गया, और मिलान करना है फिर से। तो विटामिन B12 किस में होता है, कोबाल्ट में होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट में होता है, और इसका स्रोत कौन सा है, तो बेल फल जो होता है, बेल वहाँ से मिलता है ये। होमोग्लोबिन के लिए लोहा, होमोग्लोबिन लोहा। क्लोरोफिल के लिए चाहिए, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं। पीतल तांबा, पीतल में तांबा, फिर से इसको रिपीट करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। विटामिन B12 कोबाल्ट, याद रखिएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग करते हैं कैंसर उपचार के लिए। और विटामिन B12 आता कहाँ से है, बेल में मिलता है वो। होमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, और पीतल में तांबा उपस्थित होता है। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग मीन्स चेंज या रंग प्रदान किया जाता है, वो है आपका SR+Ba। आंसर है यहाँ पे सी। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा है, वो है आपका थोड़ियम। देखो रेडियोधर्मी हो तब थोड़ियम, नहीं तो ऐसे ही तत्व या पदार्थ पूछ दे तब हो जाएगा आपका अभ्रक। यहाँ पे आंसर है वैसे सी। मोती का रासायनिक नाम क्या होता है, होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संगठक है, माटियार क्या है, सीमेंट का मुख्य संगठक है। निम्नलिखित में से, अच्छा एक प्रश्न और आता है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कौन से उद्योग पर सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ा, ठीक ना, तो तब भी क्या होता है, सीमेंट उद्योग पर। चलो इस प्रश्न को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये मटियार या मैंने गलत बोला। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, तो जिप्सम भी है, चूना पत्थर भी है, पर अगर चूना पत्थर हो तो चूना पत्थर पर टिक लगाएंगे, ठीक ना। अगर चूना पत्थर नहीं होता तब जिप्सम पर टिक लगाते हैं। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क है, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो इसमें से किसका अयस्क बॉक्साइट है, अगर आपको याद रहे तो आप आसानी से टिक कर पाओगे, एल्यूमिनियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा प्रयोग होता है, यूरेनियम समृद्ध। आंसर क्या होगा, ए। फिटकरी या एलम गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो अस्कंदन के द्वारा। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो अभी हम पढ़े थे कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट यहाँ पे अभिकथन और कारण दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है,
ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ठंडे किए गए सीमेंट में क्लीनर्स में जिप्सम मिलाया जाता है, ये सही है आपका। जिप्सम ठंडे मिलाया जाता है और ताकि वो क्या करे, तेज़ी से नहीं जमने दे, इसके लिए मिलाते हैं हम ये। जिप्सम सीमेंट के सेट होने के समय को तेज़ कर देता है, ये भी सही है। जिप्सम क्या करता है, उसको तेज़ कर देता है। आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और इसका सही व्याख्या करता है, इसीलिए वो मिलाया जाता है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्का धातु कौन सा हो जाएगा, लिथियम, लिथियम, और सबसे भारी कौन सा होगा, ऑस्मियम, ऑस्मियम। देखो धातु रहेगा तब ऑस्मियम, नहीं तो अगर एलिमेंट रहे तो कौन सा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, सोना। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किससे जाने जाते हैं, मीन्स माणिक्य और नीलम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे है, शुष्क बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है? इसमें करते हैं हम अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समृद्ध यूरेनियम इसमें से कौन सा है? समृद्ध यूरेनियम प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप के संगठक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता हो। तो यूरेनियम 238 होता है और 235 होता है, तो इसमें यूरेनियम 235 आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, बी। निम्नलिखित में से कौन, सॉरी, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता, किस एक में रजत नहीं होता, जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट रहे तो खाने वाला सोडा, सॉरी वाशिंग सोडा, ठीक ना, अगर बाय हटा दे, सोडियम कार्बोनेट रहे तो वाशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट रहे तो बेकिंग सोडा, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मसाल या मोल्टर एक मिश्रण होता है, जल, बालू और उसमें क्या होता है, उसमें होता है जिप्सम, जल, बालू और जिप्सम। आंसर है डी। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कई बार पढ़ चुके हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का। आंसर क्या होगा, बी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? देखो चाहे इलेक्ट्रिक हीटर हो या कोई मीन्स आयरन हो, कहीं भी जहाँ इलेक्ट्रिक से गर्म होता हो तो वहाँ पे नेक्रोम का प्रयोग होता है, नेक्रोम का। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, कौन सा तत्व होता है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। सबसे कम इसमें कार्बन ही होता है और कार्बन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, लोहे को कड़ा करने के लिए करते हैं, हार्ड करने के लिए करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 0.03% होता है, उसके आसपास होता है कार्बन इसमें। नेक्स्ट है आपका, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाएगा, कवकनाशी के रूप में। जिंक सल्फेट का प्रयोग हम कवकनाशी के रूप में करते हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एवं या जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है, मीन्स किसका अयस्क है? तो यह कॉपर का, जिंक का और निकेल का, कॉपर, जिंक और निकेल का अयस्क होता है जर्मन सिल्वर। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्ध रूप कितना होता है, कितना, 24 कैरेट। एक प्रश्न इसमें ऐसा आता है कि 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें कितनी प्रतिशत शुद्धता है? तो बना लोगे आप लोग, लिख लोगे 24 का कितना प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत इज इक्वल टू 18, सॉल्व करोगे तो 75, मीन्स ऐसे प्रश्न भी आते हैं। मान लो अधिकतर 18 ही होते हैं, इसलिए मैं 18 का एग्जाम्पल दिया, अगर 16 भी पूछ दे, 8 भी पूछ दे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे, छोड़ना नहीं। नेक्स्ट है आपका, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, 0.1 से लेके 1.5 तक, 0.1 से लेके 1.5 तक। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर नाम है, इसमें सिल्वर ही नहीं होता, ठीक ना। आंसर है सी। माणिक्य और नीलम किसका ऑक्साइड, अभी हम पढ़े थे एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये होता है, तो एल्युमिनियम। आंसर क्या होगा, डी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है, यहाँ पे बॉक्साइट, बॉक्साइट। एल्युमिनियम किसका अयस्क है, बॉक्साइट। कपड़ा धोने वाले सोडा निम्नलिखित यौगिक
का सामान्य नाम क्या है? कपड़ा सोने धोने वाला सोडा, मतलब वॉशिंग सोडा, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। मैं बताया था सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो बेकिंग सोडा। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है? यह आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। आंसर क्या होगा? ए। हेमाटाइट अयस्क है, हेमाटाइट किसका अयस्क है? आयरन का, आयरन का। धातु की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है विद्युत घनात्मक, विद्युत पॉजिटिव। आंसर है ए। शीशा पेंसिल में शीशा की प्रतिशत कितनी होती है? शीशा पेंसिल में शीशा का प्रतिशत 0% होता है, उसमें शीशा नहीं होता। इनमें से कौन सा ठोस नहीं है? इसमें से कौन सा ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है? ये आपका पारद, पारद। और किसको चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम को। और सोडियम और पोटासियम को लैब में हम मट्टी तेल में रखते हैं, किरोसिन तेल में। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? मिस विद्युत का सबसे खराब चालक इसमें से कौन सा है? क्या हो जाएगा? शीशा। शीशा एकमात्र है जो एलिमेंट है, मीन्स ठोस अवस्था में है, और फिर वो विद्युत का संचार नहीं करता है। आंसर क्या होगा? बी। और सबसे तेजी से कौन संचार करता है? सिल्वर, सिल्वर। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ता से, जस्ता। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? पीतल का बर्तन में कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक। ताप जिप्सम क्या है? ताप जिप्सम क्या होता है? चूना होता है, चूना। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से इसमें से कौन सा है? तो कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते के धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन, बर्तन को उसमें निगेटिव और उसमें जो जस्ता डाला जाएगा उसको पॉजिटिव बनाया जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। लोहे को घोला जा सकता है, लोहे को हम किस में मिला सकते हैं, मीन्स घुला सकते हैं? तो नाइट्रेट एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा, लोहा। अणुशक्ति से संबंधित पदार्थ को पहचानिए। अणुशक्ति से नहीं संबंधित, इसमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है अणुशक्ति से, तो वो पदार्थ कौन सा हो जाएगा? क्रोमियम, क्रोमियम। जबकि मोनोजाइट, थोरियम और बेरिलियम क्या है? अणुशक्ति, मीन्स पावर रिएक्टर में ये काम आता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा क्या है? एक एलिमेंट है, ये मिश्र धातु नहीं है। जबकि ब्रॉन्ज, पीतल और स्टील मिश्र धातु है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर को क्या कहा जाता है? सिंदूर को कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट। आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने का प्रयोग किया जाता है, तो फ्यूज तार में मेनली हम किसका प्रयोग करते हैं? वो टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फ्यूज तार टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करेगा? ऑक्सीजन पैदा नहीं करेगा पर कैडमियम, कैडमियम। आंसर क्या होगा? बी। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के लिए काम आता है? ये किया जाता है एल्यूमिनियम, क्योंकि हल्का होता है, एल्यूमिनियम। आंसर क्या होगा? सी। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषालु धातु कौन सा है? लेड, लेड। पीतल में कौन सी धातु या कौन सी धातु होती है? पीतल किसका मिश्रण होता है मेनली ये पूछा जा रहा है आपसे, तो तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मीन्स इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है, ये सही है आपका। अग्निशामक में खाने वाला सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। शीशा के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग करने में लाया जाता है, ये भी सही है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग में लाया जाता है, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन, तीनों सही है।
नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपका यही है, जिसमें आपको क्या करना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है टिक लगाना है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है, नहीं ये गलत है। अग्निशामकों में पाक सोडा, नहीं ये भी गलत है, अभी पढ़े थे अग्निशामकों में हम मीन्स कार्बनिक का प्रयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण के उत्पादन हेसेनक्वेल संयंत्र में होता है, ये सही है, यहाँ पे आंसर है यहाँ पे सी थी। ओह क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकी में अगर आयरन का होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्रोम पे टिक लगाते हैं, पर बोला है सोल्डिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सीसा और टीन का। सोल्डिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, सीसा और टीन का, आंसर है यहाँ पे बी। धातुएं सुचालक होती है, देखो धातु सुचालक होता है क्योंकि एक तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट वैसे यहाँ पे नहीं दिया गया है, पर उसका प्रतिरोध क्या होता होगा, कम होता होगा, काफ़ी अच्छा ये प्रतिरोध कम होता है, और इसमें क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, आंसर होगा ए। मुख्य शोधकों या मुख्य शोधनों में टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है, सुहागा सुहागा। निम्नलिखित में से कौन सा रत्न या उपरत्न नहीं है, रत्न भी नहीं है और उपरत्न भी नहीं है, रत्न से जो बनाया जाएगा उसे उपरत्न कहेंगे, तो मोती, मोती नहीं है, मोती का क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, याद रखना इसको। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, इसमें से किसका प्रयोग हम चुंबक बनाने के लिए करेंगे। देखो चुंबक दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पोररी, तो परमानेंट का बात किया जाए तो निकेल होता है, ये एलनिको होता है, इस सब का प्रयोग हम करते हैं परमानेंट के लिए, और स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है टेम्पोररी के लिए, तो पहले आप एलनिको पे टिक करोगे या फिर निकेल हो कोबाल्ट हो इस सब पे टिक करोगे। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, इसमें से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कैल्शियम में हाइड्रोजन मैग्नीशियम कार्बन होता है, ऑक्सीजन भी होता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, कांच को जो हम कलर करेंगे तो उसमें नीला कलर जो होता है किसके कारण आएगा, तो कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक कौन सा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, पारद, पारद। जसद लेपन क्या होता है, जसद लेपन होता है लोहे पर हम जस्ता का लेप लगाते हैं, तो लोहे पर जस्ता का लेप लगाते हैं ताकि जंग ना लगे, इसको कहा जाता है जसद लेपन को, गल्वनाइजेशन, गल्वनाइजेशन। यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से देखो, हम लोग थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं पारद का मीन्स HG जिसको मरकरी या पारा बोलते हैं, ठीक ना, तो वो कम टेम्परेचर को मन नहीं माप सकता है, मीन्स जैसे -10 या -15 डिग्री से कम को नहीं मापेगा, वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो उससे कम टेम्परेचर को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं अल्कोहल का, अल्कोहल का याद रखना, उसको अल्कोहल थर्मामीटर कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मर्क्यूरिक थर्मामीटर, और इससे भी अगर ऊपर जैसे हमको मान लो सन का किसी स्टार का टेम्परेचर मापना होगा तो वहाँ पे तो इस पारे का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वहाँ उस थर्मामीटर का नाम होता है पायरो थर्मामीटर, ठीक ना, पायरो याद रखना, पायरो थर्मामीटर, तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, मीन्स रेडियम इसका जो विद्युत बना लेंगे उसके बाद ये लास्टली क्या पदार्थ बन जाएगा, ये बन जाएगा सीसा, सीसा जो काफ़ी हार्मफुल होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, सोडियम, सोडियम, क्योंकि नमक होता है सबसे अधिक और नमक में क्या होता है सोडियम होता है। विद्युत स्त्री हीटर विद्युत केतली पढ़े हैं, जिसमें भी गर्म होता है ना उसमें क्या होता है नेक्रोम होता है, नेक्रोम आंसर है ये। तो ये एक्सरसाइज में 272 प्रश्न थे, 275 वो मैंने कंप्लीट कर लिया, आप ये पूरा देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, तो और इस वीडियो में हो सकता है कुछ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो, अगर एग्जाम में काफ़ी हेल्प करे आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।